हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मूंग दाल और ग्रीन ऑनियन की दाल कैसे बनानी है। जिसके लिए मैंने ये छिलके वाली मूंग दाल ले ली है और इसमें सिर्फ दो मुट्ठी जितनी मैंने तूर दाल ले ली है। अगर आपने 75% आपको मूंग दाल लेनी है और 25% आपको तूर दाल लेनी है, तो अब हम इसे कुकर प्रेशर कुकर में ले लेंगे और इसे स्टीम करने रख देंगे। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक ले लेंगे। जब तक कि हमारी मूंग दाल जो हमने स्टीम करने के लिए रखी है वो बनती है, तब तक हम ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो मैं पहले तेल लूँगी। तेल को अभी थोड़ा गर्म होने देना है, उसके बाद हम दूसरा कुछ इसमें ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें सरसों डालेंगे। सरसों जब उछलने लगे ऑयल के अंदर, तभी हमें जीरा डालना है, क्योंकि सरसों को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर हमने अभी जीरा इसमें ऐड कर दिया तो हमारा जो जीरा है वो जल जाएगा, इसलिए हम पहले सरसों को ठीक से पकने देंगे, उसके बाद उसमें जीरा डालेंगे। अभी हमारी सरसों तब ऑयल में चटकने लगी है तो हम इसमें सरसों डालेंगे। सॉरी, मैंने जीरे की जगह सरसों बोल दिया। हमारा जीरा भी अभी हो गया है तो अब हम इसमें हींग डालेंगे, ऐसा पॉइंटीदा। उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। ठीक से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डालूंगी, जिसे मैंने ऐसे लंबी लंबी काट ली है। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी। जब तक हमारे टमाटर ठीक से भुन जाते हैं, उतनी देर तक हम इसे ऊपर से ढक्कन लगा देंगे। हम एक बार देखेंगे। वैसे तो हमारे टमाटर काफ़ी भुन चुके हैं, लेकिन हमें और थोड़े ठीक से पके हुए चाहिए, तो अब मैं दोबारा उसे ठीक से ढक लूँगी। मेरे ख्याल से 5 मिनट तक तो इसे हमें पकाना ही पड़ेगा ताकि अच्छे से पक जाए, लेकिन अगर ज़्यादा भूनना नहीं है तो भी चलेगा। इसकी बहुत ही लाजवाब खुशबू अभी आ रही है, क्योंकि हमने लहसुन का इसमें तड़का डाला था। अभी हम इसे देखेंगे। मेरी दाल में भी अभी बिस्तर पड़ने लगी है, ये 2 विसल हो गई हैं। अब तीसरी में मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी। अब मैंने पहले से ही ग्रीन ऑनियन को काट के रखा हुआ है, ये हरी प्याज है। मैं ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा ऑनियन लिए हैं। हम अब इसे इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसे भी पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। अभी हम इसे ठीक से मिक्स करेंगे। ये हमारी 3 मिसल प्रेशर कुकर में हो गई है तो मैं उसका गैस बंद कर दूंगी। वैसे तो सबके यहाँ पे प्रेशर कुकर का कुछ अलग ही सिस्टम रहता है, तो अगर आपके किसी के यहाँ पे मतलब किसी प्रेशर कुकर में सिर्फ 1 ही विसल में
दाल पक जाती है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपको दाल में कितनी विसल लगानी है। अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है और 5 से 10 मिनट तक मैं इसे अपने आप से पकने दूंगी, लेकिन मैं इसके अंदर अभी मसाले ऐड कर लूँगी। सबसे पहले मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, उसके बाद हल्दी पाउडर। मैंने पहले से ही मिर्ची डाल रखी है तो ज़्यादा मिक्स ना करें तो अच्छा रहेगा। फिर अब इसके अंदर मैं नमक डालूँगी। धनिया जीरा पाउडर, इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब मैं नॉनस्टिक का ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट तक पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। ये हमारी सब्ज़ी एकदम ठीक से अभी पक गई है, लेकिन फिर भी मैं इसे थोड़ी देर तक अभी पकाऊंगी। अभी वापस से इसे बंद कर दीजिए। अभी हम इसमें जो दाल हमने स्टीम करने के लिए रख दी है उसे हम अब इसमें धीरे धीरे डालेंगे। इस तरह से हम इसमें पूरी दाल अंदर डाल देंगे। अब हम इस दाल को मिक्स कर लेंगे। गैस हमें ज़्यादा फास्ट नहीं रखना है, धीरे से ही हमें इसे मिक्स कर लेना है और इसका ढक्कन अब हम बंद कर लेंगे ताकि इसका मसाला एक दूसरे के अंदर एकदम ठीक से अंदर एब्जॉर्ब कर ले, वो मसाले को, मूंग दाल और मसाला एक दूसरे का फ्लेवर ठीक से ले ले। मेरे घर पे आज मेहमान आए हुए हैं इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये खाना बनाया है, तो आपको अगर बनाना है 2-3 लोगों के लिए तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें गैस बंद कर दूँगी और इसमें बटर डाल दूँगी और ऊपर से धनिया डाल दूँगी। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे, लेकिन जब तक आप सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें।